हाँ जी पप्पू साहब, कैसा लग रहा है आपको ये स्टूडियो वीरान वीरान, क्या महसूस कर रहे हैं? बस ये यादें अब ताज़ी हो रही है पुरानी। अब तो इतनी वीरानियाँ कभी छाई थी पहले कभी ज़िंदगी में? नहीं पहले कभी। अब क्या, आप क्या महसूस करते हैं इसको देख के? महसूस कर रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तो लोगों को सबको पता चल गया कि फिल्मी जो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिल्में बनेंगी, दोबारा खुशहालियाँ आएंगी। मैं उम्मीद है हम भी इंशाल्लाह ताला आए हुए हैं फिल्में बनाने के लिए, दुआ तो कर रहे हैं अच्छी मूवी बने, तो अच्छे लोग आएँ, अच्छे सैलमे मिलें, फिल्में बने। आप लोगों ने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, तो आप लोगों को कोई किसी फिल्म में फ़ायदा भी हुआ कि सब में नुकसान ही हुआ है? बस ये फायदे वाला काम तो नहीं है, ये तो हमारा शौक था, शौक होता ना फिर फायदा होता नहीं सोचते। यहाँ पे कितना रश हुआ करता था? बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, तन्हाई। और क्या आप यहाँ हफ्ते क्या आप डेली आते हैं स्टूडियो? हम तो आजकल डेली आ रहे हैं। सुना आपके दफ्तर में काफ़ी लंगर लगा रहता है, काफ़ी दुनिया आती है, काफ़ी रौनक, आपने लगाई है अवेरने में? बस इसी तरह जब लोगों का चलता है, सब पुराने दो क्लीग हैं वो आना शुरू हो गए हैं, शपे लगाते हैं टाइम के लोग। आपके कौन से एक्टर फेवरेट एक्टर आपके कौन से पाकिस्तान में? तो राय साहब के आजकल के, आजकल तो नई लड़कियाँ वगैरह आ रही हैं, पुराने तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। नहीं आप शान साहब के साथ आपने काफ़ी काम किया, राय साहब के साथ तो हमारे पहले मेरे नाम की पप्पू लाहौरिया, बड़ी सुपरहिट फिल्म है, उस पर गाना भी था एक आपके नाम पे। वेरी गुड। दो जुल्फी था काफी देर डब्बा के करीब मेरे पास आए। आओ तो सुनो नहीं खड़ो ना सुबह मामा सुबह ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਦਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾਲੇ ਕਰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ।